नमस्कार, मैं हूं रूपम किशोर सिंह और आप देख रहे हैं लगातार लाइव। दिन का 11:15 बजा है और हम खड़े हैं दुमका के रेड क्रॉस भवन में, जहां पर वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं सामने जो भीड़ है, ये वैक्सीन लगाने आए हैं और 18 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को भी अब वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ युवाओं को ज़्यादा भीड़, बच्चे की संख्या ज़्यादा है। लेकिन 9 बजे जो वैक्सीनेशन का कार्य चालू होना था वो अब तक चालू नहीं हो सका है, लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। आप कब आए थे यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए? सुबह 9 बजे ये कल ही स्लॉट बुक किया हुआ है। सुबह 9 बजे से बैठे हुए, अभी 11 बज गया, अभी तो कुछ पता ही नहीं है क्या कब मिलेगा इंजेक्शन मिलेगा। बहुत परेशान है हम लोग। क्या नाम है आपका? सोनी देवी। सोनी देवी बता रहे थे कि 9 बजे से बैठे हैं, आप कब आए थे? कोई नहीं है यहाँ पे। हम आपको बता देते हैं कि ये कमरा है जहाँ 15 से 18 वर्ष के किशोर एवं किशोरियों को वैक्सीन का रूम नंबर 3 है। आपका अंदर का नजारा देखें, कोई अंदर में मौजूद नहीं है। अंदर जो स्वास्थ्य कर्मी है, जिनके बल पे और जिनके हम के भरोसे सरकार दावा करती है कि वो इतना वैक्सीनेशन करा रही, जिला प्रशासन भी अपनी पीठ के तौर पर हम वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, उनका कुछ समस्या है जिनको ले करके वो लोग यहाँ मौजूद नहीं। यहाँ कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर हैं जो कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राजीव कुमार। राजीव जी, वैक्सीनेशन का कार्य क्यों रुका हुआ है? देखिए, हम लोग तो 9 बजे आके अपने सिस्टम में बैठ गए थे, पता चला जैसे फोन से बात हुई नर्स सबसे, तो वो लोग बता रहे हैं कि हम लोग CS ऑफिस आए हैं मिलने के लिए, तो कारण का पूरा स्पष्ट नहीं है, लेकिन वेतन संबंधित ही मेन कारण है कि 6 महीनों से नर्स सब का भी वेतन रुका हुआ है, हम लोग का यहाँ 4 महीने से वेतन रुका हुआ है, और आपका खाने का जो नाश्ता के लिए पैसा दिया जा रहा था वो भी करीब सितंबर से ही बंद। 100 रुपया जो हर दिन मिलता था वो भी बंद है? जी, सितंबर से ही बंद। तो एक बात सामने जो आ रही है वो यह है कि वेतन की वजह से इनको लगभग 6 महीने से जो स्वास्थ्य कर्मी है, जिनको हम कर रहे हैं योद्धा बोलते हैं, वो लगभग उनका वेतन 6 महीने से बंद है और इन लोगों का भी वेतन लगभग 3-4 महीने से बंद है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। किस वेतन मिल रहा है आपको? नहीं सर, वेतन तो हम लोग को नहीं मिल रहा है। 100 रुपये जो मिलता था वो खाने का भी सितंबर माह से हम लोग को नहीं मिल रहा है, ठीक है, और सितंबर बाद से अभी तक भी वेतन हम लोग को नहीं मिला, लगभग 3 महीना पार कर गया, 4th महीना चल रहा है हम लोगों का। कहाँ गया है ये लोग? ये लोग सब स्वास्थ्य कर्मी जो है एनएम वगैरह है, वो लोग CS से मिलने के लिए गए हैं वेतन संबंधी बात करने के लिए। जो स्वास्थ्य कर्मी यहाँ है वो दुमका के सिविल सर्जन से मिलने गए हैं अपनी वेतन संबंधी बात करने के लिए। हम आपको बता दें, जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें 100 रुपया प्रतिदिन नाश्ते के लिए और खाने के लिए मिलता था, और हमने लगातार लाइव के माध्यम से एक बार दिखाया था कि उन्हें नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद इनको मिलने लगा वो पैसा, वो भी सितंबर से बंद है। अब बात सवाल यह है कि आखिर भूखे पेट कब तक ये लोग काम करेंगे, और जिनके भरोसे सरकार दम भरती है कि हम कोरोना पे कंट्रोल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का कार्य हो रहा है, आखिर उनका वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? लगातार लाइव के लिए दुमका से रूपम किशोर सिंह। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।